नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमने सीसीटीवी की कोर्स की फ्री ट्रेनिंग शुरू की है। आज उसका पहला दिन है और पहला जो वीडियो है हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और सीसीटीवी की इंडस्ट्री में आपको वैसे तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी वैसे तो मिल जाएगी, लेकिन हम जिस तरीके से काम करते हैं उसकी जानकारी शायद ही कोई आपको बता पाए। तो मैंने अपने और अपने जो मेरी टीम है और कुछ ऐसे जो हमारे इंडिया में बाहर के मुल्क में और जिन जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके जो मैंने ट्रेनिंग का मटेरियल तैयार किया है उसके तरीके से जो है ये कार्य जो है ये ट्रेनिंग जो है शुरू कर रहा हूँ। तो आज जो पहला दिन है इसमें मैंने क्या किया है, एक लिस्ट तैयार की है भी कोई भी पर्सन, जैसे मान लो अज्ञान हूँ, अज्ञानी हूँ जो सीसीटीवी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता भी, ऐसा क्या है सीसीटीवी का मतलब क्या है, ये किस लिए ज़रूरी है, किस तरह से काम में आती है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में इसके काम करने से पहले जो है जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे आज लेके मैंने इकट्ठे किए हैं, इन सब के बारे में जो है आज जानकारी मिलेगी। तो लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं, बारी बारी से यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में भी आपको बारी बारी से नज़र आएगा, बारी बारी से 1 2 3 4 लगभग इसमें 14 चीज़ें जो है मैंने इसमें जोड़ी हैं जिनके बारे में एक सीसीटीवी के डेफिनेशन के साथ साथ जिसके बारे में सीसीटीवी की इंडस्ट्री किस प्रोडक्ट्स के साथ काम करती है वो सारी चीज़ें इसमें है। शुरू करते हैं आज, सबसे पहली बात आते हैं सीसीटीवी क्या है। सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविज़न, फुल फॉर्म तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। तो मेरी तरफ से जो मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा, मान लो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मान लो अगर आप बाद में मुझे देखना चाहते हैं, एक तरीके से रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो आपको किसी इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करने का है वो सीसीटीवी का रहता है, जिसमें मतलब वॉइस भी आजकल हो जाती है। और मान लो ये इंडस्ट्री एक तरीके से मतलब 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे मान लो एक सिक्योरिटी है, होम सिक्योरिटी, शॉप सिक्योरिटी और इवन मतलब हर तरह की सिक्योरिटी, स्कूल कॉलेज में हर तरह की सिक्योरिटी लोगों को चाहिए, यानी कि उनकी प्रमाइसिस या कोई बिल्डिंग या कोई होम में कोई आ जाए तो उनको जो है उसका रिकॉर्ड चाहिए ताकि पता लग सके भी आखिर क्या हुआ था। तो दूसरे परफॉर्मेंस के लिए भी जो है सीसीटीवी काम में लाया जाता है। जैसे मान लो हम जो है आप किसी मशीनरी के ऊपर जो है अपने सीसीटीवी को लगवाते हैं और पता चल जाए भी हमारी मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, वो प्रोडक्ट जो हमारी पैकेजिंग या डिज़ाइनिंग या मटेरियल जो हमारा बन रहा है वो सही ढंग से बन रहा है, नहीं बन रहा है, सीसीटीवी को काम में लाया जाता है। और इस तरह से ये इंडस्ट्री आज की डेट में हर एक की ज़रूरत पूरी कर रही है। तो इस तरह से सीसीटीवी की डेफिनेशन को हम देख सकते हैं। अब आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है सीसीटीवी को जोड़ा गया है, जिसमें हम ह्यूमन का फेस डिटेक्शन, नंबर रीडिंग और काफ़ी एडवांस फीचर्स जो हैं, एआई फंक्शन जो है, अलार्म सिस्टम जो जिस तरह से मतलब जो है अलग अलग तरीके के जो है ये वीडियो को जो है एनालिटिक्स के साथ जोड़ के जो है ट्रिगर्स के बना के जो है एक तरीके से जो है इसका काम में लिया जाता है भी किस जगह पे कुछ हो तभी इंटीमेशन हो। तो इस तरह से सीसीटीवी का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में हर तरफ जो है इंडस्ट्री में, इवन हॉस्पिटल में, इवन जो है पार्किंग लॉट्स में, हर तरफ जो है स्टोर्स में, हर जगह जो है ये काम में लाया जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री इस टाइम जो है पूरे बूम पे है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है लोगों को, और हमारे जैसे लोग जो सीख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा दे रही है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं शुरू करता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा कैमरा, यानी कि सीसीटीवी में सबसे पहला जो जरूरी चीज़ काम में आने वाली चीज़ है वो है कैमरा। तो इसमें लगभग अभी 3 टाइप के जो है टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है। तो पहली जो है वो है एनालॉग टेक्नोलॉजी। एनालॉग क्यों बोलते हैं, एनालॉग मतलब जो है, एनालॉग का मतलब है जो हमारी कोएक्सियल वायर है, नॉर्मल वायर जो हम केबल वायर जो घर में यूज़ करते हैं, जिसको हम 3+1 भी बोल सकते हैं, कोएक्सियल बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें एक जाली होती है और एक सेंटर होता है इस तरह से, जिसमें सिर्फ दो ही तारें होती हैं, उस वायर के ऊपर जो चलता है कैमरा उसको हम जो है एनालॉग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि ये सबसे पुरानी वीडियो की टेक्नोलॉजी थी जिसे हम एनालॉग बोलते हैं, जिसमें अब और भी आगे स्टैंडर्ड आ चुके हैं, HD, HDCVI, TVI और
CVPS, इस तरह के जो है मल्टीपल स्ट्रीम, लगभग चार तरह के जो है एनालॉग में स्ट्रीम्स हैं। इसके बाद बात की जाती है आईपी की, तो आईपी में क्या होता है, ये कैमरे प्योरली इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर चलते हैं, यानी कि नेटवर्किंग के ऊपर चलते हैं, जो कि हर कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से ये डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इनके अंदर ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो वीडियो को एनकोड करता है। इसमें तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई की। तो वाईफाई में क्या है, वाईफाई भी एक्चुअली में एक तरीके से आईपी कैमरा है, लेकिन कुछ वाईफाई कैमरे जो है सिर्फ वाईफाई हैं, सिर्फ वाईफाई से ही जुड़ेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये कैमरा है, ये एक डोम कैमरा है, इनडोर कैमरा। अब ये वाईफाई भी हो सकता है या तो वायर्ड हो सकता है, कोएक्सल मतलब जो है एनालॉग टेक्नोलॉजी वाला भी हो सकता है, आईपी कैमरा भी हो सकता है। तो बात की जाए कैमरे के टाइप की, तो कैमरे होते हैं हमारे दो टाइप के, एक इंडोर कैमरा, एक होता है वेदर प्रूफ कैमरा। दूसरी बात की जाए सप्लाई की, तो सप्लाई जो है एक तरीके से मतलब इस तरह की सप्लाई होती है जिसमें मल्टीपल्स पावर के पॉइंट रहते हैं। मतलब अगर हम एनालॉग टेक्नोलॉजी लें तो उनके लिए पावर के पॉइंट जो अलग अलग भी होते हैं, इकट्ठा भी होता है, मतलब इनको पावर देनी पड़ती है एनालॉग कैमरा को, यानी कि उनकी वायर अलग से देनी पड़ेगी। हमारी वायर के बारे में जब बात करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तीसरी बात की जाए DVR NVR, तो DVR NVR भी बहुत ज़रूरी है दो टेक्नोलॉजी, यानी कि एनालॉग और आईपी टेक्नोलॉजी के लिए DVR ज़रूरी होता है। इसमें क्या रहता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो सभी कैमरे को अटैच करता है। जैसे कि मान लो एनालॉग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लो ये मल्टीपल इसमें पॉइंट है, अगर इसमें भी जैसे ये BNC कनेक्टर के पॉइंट हैं, इसमें चार पॉइंट हैं, तो ये चार जो है हमारे चार चैनल का है। इस तरह से इसमें आठ होंगे तो आठ चैनल का है, 16 होंगे तो 16 चैनल रहेगा, 32 होंगे तो 32 चैनल रहेगा, ये BNC वाले कनेक्ट। बात की जाए जो बाकी के पोर्ट्स की, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है इसका चार्जर के लिए पोर्ट, इसमें 12 वोल्ट दो एम्पीयर का चार्जर लगता है, और इसमें USB पोर्ट है, माउस इसमें लगता है, उसके बाद LAN पोर्ट है, नेटवर्किंग के लिए लगा सकते हैं। VGA पोर्ट है जो VGA केबल इसमें लगाई जाती है, इनकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके लिए VGA केबल यूज़ की जाती है। उसके बाद बात की जाए HDMI की, तो ये केबल्स के बारे में भी अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा। तो ये ऑडियो के लिए है, इनमें इस तरह के पॉइंट लगते हैं। तो ये DVR है। NVR में क्या होता है भी, इस तरह के जो वीडियो के पॉइंट है ये नहीं होते उसमें, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ऐसा ही होगा। हार्ड डिस्क हमारे पास अभी घर में जो है, एक मेरे पास हार्ड डिस्क पड़ी थी घर के कंप्यूटर की, वैसे जो हमारी जो स्पेशल सर्विलेंस हार्ड डिस्क की जो फोटो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हमारी एक हार्ड डिस्क है, ठीक है जी। और बात की जाए अब वायर की, अब वायर की बात की जाए तो वायर किस किस तरह की होती है, ठीक है जी। वायर हमारी जो है, एक तो ये लैन केबल होती है, ठीक है जी, जिसको CAT 5 CAT 6 आती है हमारे पास, ठीक है जी, जिसमें क्या रहता है, 8 तारें रहती है, और ये कनेक्टर जो है RJ45 कनेक्टर भी इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे अलग से भी जो है कनेक्टर है। अब ये वायर जो है रेडीमेड नहीं आती है, इसको पूरा बंडल आता है और उसमें जो है कनेक्टर हम लगाते हैं, इसका टूल भी है हमारे पास, वो टूल्स की जब बात की जाए तो आपको बताएंगे। तो ये है नेटवर्किंग की केबल, ये आईपी कैमरा के लिए यूज़ होती है। और बाकी हमारी जो 3+1 जो बात की जाए वो किस तरह की होती है, तो आप देख सकते हैं इसमें एक हमारे जैसे घर में जो हम केबल की वायर यूज़ करते हैं, एक सेंटर जो है हार्ड रहता है और एक जाली रहती है, इस तरह से रहती है। और इसमें क्या रहता है, एक अलग से एक तार होती है जिसमें जो है मल्टीपल्स तारें होती है, जैसे एक येलो, एक रेड और एक ब्लू ब्लैक, इसमें और भी कलर्स हो सकते हैं, मल्टीपल वायर अलग अलग टाइप की होती है। तो इस तरह से ये वायर होती है, 3+1 इसको बोलते हैं। और हमारे कनेक्टर की बात की जाए तो इसमें वायर, अब जो कनेक्टर है ये DC कनेक्टर है, ठीक है जी, पावर कनेक्टर जिसको बोलते हैं, ये एनालॉग कैमरे में लगता है और आईपी कैमरे में भी लगता रहता है। उसके बाद ये बनाएंगे BNC कनेक्टर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें दो वायरें होती हैं, एक सेंटर की जो ये पिन है उसके लिए और एक जाली के लिए, वैसे इसके अंदर भी सेंटर होता है और एक बाहर के लिए अर्थ के लिए। BNC DC हमने आपको बताए, इस तरह के कनेक्टर है जो एनालॉग टेक्नोलॉजी में लगते हैं, किस तरह से लगाएंगे पूरा चैप्टर आएगा इंस्टॉलेशन का। उसके बाद बात की जाए अगली चीज़ है स्क्रीन, अगर मान लो हम कैमरे लगाने जा रहे हैं तो देखेंगे कि इसमें, ठीक है जी, एक मोबाइल है, लैपटॉप कंप्यूटर है और एक स्क्रीन है, तो LED स्क्रीन जो TV की स्क्रीन है यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन है, आप वो ले सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि ये सब चीज़ें हम किसी के पास कैमरा लगाने जा रहे हैं तो भी हमें चेक करनी चाहिए, या हम किसी को बेच रहे हैं कोई प्रोडक्ट तो भी हमें मालूम होना चाहिए, इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए, और हमें भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी को ये रिकमेंड कर सकते हैं या कहीं पर लगा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो नेक्स्ट चीज़ की, वो है इलेक्ट्रिकल बोर्ड स्पाई गार्ड। मान लो हम कैमरा लगाने जा रहे हैं, हमने सामान लिया और चले गए और पता चला वहाँ पे बिजली का तो पॉइंट ही नहीं है, कैमरा लगाने जा रहे हैं बट वहाँ पे शू नहीं है, मतलब बिजली ही नहीं है, तो इसके बारे में भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जो एक अच्छा एक सिस्टम इंटीग्रेटर होता है उसको मालूम होता है जहाँ पे हम कैमरा लगाने जा रहे हैं वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पॉइंट होना चाहिए,
तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट किस तरह का होना चाहिए, एक फ्यूज़ वाला इलेक्ट्रिकल पॉइंट होना चाहिए या यूपीएस इन्वर्टर होना चाहिए, तो इस तरह से एक स्पाई गार्ड होता है जिसमें मिनिमम हमारे को दो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक डीवीआर और एक पावर सप्लाई के लिए। लेकिन फिर भी जो है एलईडी लगानी होती है या हमारे को इंटरनेट का राउटर मॉडम लगाना होता है तो लगभग तीन या चार पॉइंट के लिए चाहिए होता है, ये छः पॉइंट का है। इस तरह से एक एक्सटेंशन बोर्ड या बिजली का बोर्ड जो होता है वो हमें चाहिए ही होता है, या फिर कस्टमर से हम बात करते हैं भी आपके वहाँ पे पॉइंट है या नहीं है। तो इस तरह से ये भी चीज़ जो है हमारी नॉलेज में होनी चाहिए जब हम सीसीटीवी की जानकारी ले रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके बाद बात की जाए यूपीएस की, यूपीएस हमारे पास सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, इन्वर्टर वगैरह ये भी जो है इंडस्ट्री सीसीटीवी के साथ जो है मर्ज होती है, क्योंकि लोगों को एक तरह से बैटरी बैकअप भी चाहिए होता है, तो ये भी ज़रूरी है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए टूल्स, टूल्स किस किस तरह के होते हैं जो हमारे सीसीटीवी की इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। मैं बात कर रहा था टूल्स की, टूल्स में हम सबसे पहला जो टूल है वो है हमारा कटर, वायर कटर, ठीक है जी, प्लायर जिसको बोलते हैं, वायर प्लायर जो जिसको बोलते हैं। एक हमारे को टेप चाहिए होती है, क्योंकि अब मान लो हम BNC DC लगा रहे हैं कैमरे में, वायर में, तो ये लगाने पर जो है हमारे को उनको टेप करना पड़ेगा, और अलग अलग हम टेप करते हैं तो ये दोनों जुड़ने नहीं चाहिए, मतलब एक भी तार जो है आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, अलग अलग रहनी चाहिए, नहीं तो होगा हमारा कैमरा चलेगा नहीं। वैसे ही पावर का जो है अलग अलग रहना चाहिए, तो प्रॉपरली टेप करते हैं हम, टेप की भी यूज़ होता है, हम आगे बताएंगे किस तरह से। टूल्स की बात की जाए किस किस तरह के होते हैं, एक हमारा कटर और हमारे को चाहिए टूल किट, ठीक है जी। टूल किट में हर तरह के टूल, पेचकस की किट याद मतलब यूज़ की जाती है, जिसमें माइनस प्लस और मतलब ज़्यादातर माइनस और एक स्टार पेचकस, मतलब इस तरह के जो हैं वो हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है जी। ज़्यादातर हमारा स्टार जो चार मूव वाला पेचकस है वही यूज़ होता है, क्योंकि हमारे DVR में हार्ड डिस्क के जो स्क्रू आते हैं वो सब जो है स्टार वाले ही होते हैं। हम कैमरे के लिए भी जो है इस तरह के ब्लैक कलर के जो पेच होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास कंपनी की तरफ से जो पेच आते हैं वो भी स्टार वाले ही होते हैं, मतलब टोटली सीसीटीवी इंडस्ट्री में माइनस तो रेयर ही है। अब हैमर की जरूरत क्या पड़ेगी कैमरे लगाने के लिए, अब मान लो वायरिंग करनी है, ठीक है ना, वायरिंग करने के लिए जो वायरिंग होगी उसको जो क्लिप करने पड़ेंगे, जो क्लिप आते हैं हमारे, जैसे इस टाइप के क्लिप आते हैं हमारे, जो वायरिंग के क्लिप हैं वो हमारे को चाहिए होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन को मालूम होता है वायरिंग का। बट अगर मान लो आप सीसीटीवी का काम सीखने जा रहे हैं तो आप क्लिप के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि 7 mm का, 6 mm का आता है और एक 10 mm का आता है, तो दो तारें या तीन तारें हमारी जो है 10 mm में आती है, सिंगल तार जो है 7 mm में आ जाती है, तो ये भी हमारे पास होने चाहिए जब हम एक इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं। एक तरीके से ये पूरी किट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सारी जानकारी दे रहा हूँ, ये हमारे वो चीज़ें हैं जो हम एक काम करने के लिए जाते हैं जब, तब हमारे को चाहिए होती है। और जब कोई काम करने जा रहा है तो वो नया ट्रेनी हो या सीखने वाला हो या करने वाला हो, तो उसको ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए, क्रिम्पिंग टूल की, क्योंकि IP कैमरा अगर हम लगाने जाएंगे तो ये क्रिम्पिंग टूल जो है हमारे को वायर काटने में भी परेशानी करेगा। वायर से मान लो ये जैक अगर हमने लगाना है तो इस क्रिम्पिंग टूल जो है इससे जो है ये जैक लगता है, मतलब इसमें वायर हम लगाते हैं, कैसे लगाएंगे आप आपको आगे बताएंगे। तो इस तरह से ये क्रिम्पिंग टूल है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद की जाए तो केबल टाई की, तो अगर वायर को अच्छे से मतलब स्टिच करना है और ज़्यादा मतलब जंजाल नहीं बनाना तो हमारे को केबल टाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो हमारे को एक इंस्टॉलेशन में सीसीटीवी की इंडस्ट्री में जिनके बारे में पता होना चाहिए, और हमारे ये चीज़ें जो है ज़रूरत में लाई जाती हैं जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं किसी जगह पे, और कहीं करवानी है तो भी हमारे को जरूरत पड़ेगी। उसके बाद स्पेशल जो हमारे स्क्रू है, जिस तरह से मतलब जो है स्क्रू आते हैं, ये इनका फ़ायदा क्या है, मतलब ये जो स्क्रू होते हैं ये बहुत जल्दी लग जाते हैं, मतलब इनकी जो चूड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं, ये फटाफट जो है हल्का मतलब जल्दी जल्दी घुमा के जो है टाइट हो जाता है, और इतने अच्छे चिपकते हैं भी, इनको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है इनकी गिटियाँ भी हम स्पेशल अलग से लेके रखते हैं, जैसे कि ये 6 mm की ये गिटी है, 1.25 inch की है, और इसमें स्क्रू भी अब जो है हम लगभग 1.25 inch 1.5 inch के लगाते हैं, 1 inch के थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। और कई बार लकड़ी पे कैमरे लगाने हो तो हम 0.5 inch या 0.25 inch का जो स्क्रू है वो लेके रखे हुए हैं, हम अपने स्टाफ को, अपने इंजीनियर्स को, सबको ये बांटते हैं। ये डब्बियाँ जो हम कार्टेज रिफिल करने के बाद बच जाती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्क्रू और गिटियाँ सब डाल के दे देते हैं अपने इंजीनियर्स को। तो इस तरह से आपको मैंने बताया टूल्स के बारे में, पूरा बताया अभी किस तरह से, और सबसे मेन जो चीज़ है, हाँ, अगर हम कैमरा लगाने जा रहे हैं तो ड्रिल मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैमरे को अगर हमें पक्का करना है कहीं जगह पे, कहीं सीमेंटेड है, पत्थर है, वहाँ पे लगाना है, तो हमें ड्रिल मशीन की सख्त ज़रूरत होती है, इसके अलावा काम नहीं हो सकता। तो ये सारे टूल्स थे सीसीटीवी की को जो है सक्सेसफुली कहीं लगाने के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं,
आगे धीरे धीरे जो है पूरा बताया जाएगा आपको। उसके बाद अगर मान लो अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं, तो जो जो मैंने आपको लिस्ट बताई, कैमरा, ठीक है जी, सबसे नंबर वन कैमरा, इंडोर आउटडोर वाईफाई आईपी, ठीक है, दूसरा सप्लाईज़, ठीक है जी, तीसरा डीवीआर एनवीआर, चौथा आपको बताया मैंने हार्ड डिस्क, पांचवा मैंने आपको बताया वायर 3+1 या फिर लैन केबल, ठीक है जी, छठा मैंने आपको बताया बीएनसी डीसी कनेक्टर, ठीक है जी, उसके बाद सातवां आपको बताया मैंने वीजीए केबल और एचडीएमआई केबल। मैं आपको बता देता हूँ, अब ये चीज़ें जो है किसी इंजीनियर के बैग में होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास कोई भी स्क्रीन हो सकती है, तो हम किसी कोई भी केबल यूज़ करके जो है उनको लगा सकते हैं। तो ये भी चीज़ जो है, ये बी एन ये हमारी एक वीजीए केबल है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए लगती है, और एक एचडीएमआई केबल है जो हमारी आजकल जितने भी एलईडी घर में होती है उनको लगती है, इस तरह का इसका कनेक्टर होता है। तो ये जो केबल्स हैं छोटी छोटी हमने डाल के रखी हैं, लेकिन कई बार हमें हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ी भी हमने लेके रखी होती है, और ये सब चीज़ें जो है मिलती हैं, और इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है हम एक इंस्टॉलेशन सही ढंग से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो चीज़ थी वीजीए केबल, ये साथ में थी। आठवीं जो है स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन जो है उनको चाहिए होती है, कई बार नहीं चाहिए होती तो हम रहने देते हैं। उसके बाद बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड की, जो मैंने आपको दिखाया स्पाई गार्ड, ठीक है जी, नौवा पॉइंट इलेक्ट्रिकल स्पाई गार्ड, दसवां पॉइंट जो था हमारा यूपीएस इन्वर्टर अगर किसी ने लेना तो, ठीक है जी। ग्यारहवीं जो चीज़ है वो टूल्स हैं, जिसमें हमारे सारे ये जो सारा सामान मैंने आपको बताया, कटर, पेचकस, टेप, थोड़ी क्लिप, ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं। और बारहवीं जो चीज़ है, एक वायरलेस माउस भी एक बैग में ही रहना चाहिए। वायरलेस माउस क्या है, जैसे मामला एलईडी लगाई, डीवीआर एनवीआर उसके साथ जोड़ा, और बात की जाए जब वायरलेस माउस नहीं होगा तो हम जो है उस सक्स मतलब एक इंस्टॉलेशन को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डीवीआर के पास माउस रहेगा और एलईडी हमने अच्छी लगाई है, बड़ी एलईडी, तो उसके पास जा के हमें चलाने में दिक्कत होगी। तो एक वायरलेस माउस भी जो है ज़रूरी रहता है, और इसके बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए, हमें कस्टमर को बताना भी पड़ता है, कई बार हमने अपने पास रखना भी पड़ता है। तो उसके बाद बात की जाए एक वाईफाई अडाप्टर, टेंडा वाईफाई या जियो एक्सेट्रा, हमारे पास जो है एक तरह से एक वाईफाई रिसीवर आता है जो डीवीआर में लग जाता है, ताकि डीवीआर हमारा ऑनलाइन हो सके। अगर बात की जाए इंस्टॉलेशन की, तो अगर हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो कई जगह पे वायरिंग ओपन होती है, कई बार पीवीसी पाइप में होती है, कई बार केसिंग में होती है, तो इस तरह से जो है इंस्टॉलेशन का भी एक पार्ट है। यानी कि 14 जो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं सीसीटीवी की इंडस्ट्री में, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे हम एक ऑर्डर लेने जा रहे हैं, चाहे अगर हम सर्विस करने जा रहे हैं, चाहे तो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो हमने एक पूरा एक बनाया है, ये सब चीज़ें हमने एक तरह से चेकलिस्ट भी बना के रखी है अपने ऑफिस में, जब हमारे स्टाफ वाले जब जाते हैं कहीं काम करने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो अपने बैग में लेके जाते हैं, जिसमें से है कुछ चीज़ें जो है, जैसे मान लो हम चेक कर लेते हैं भी कस्टमर के पास है तो वो हम अपनी रहने देते हैं। इस तरह से जो ये सीसीटीवी का काम है जो हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, और आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है ये काम में लाई जा सकती हैं और कहीं पे हम काम सही ढंग से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टूल्स बताए, ये 14 टूल्स जो हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम एक सीसीटीवी का काम जो है सीख सकें और सही ढंग से कर सकें। अब बात की जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा भी आईपी कैमरा और एनालॉग कैमरा को किस तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हमने जो सीरीज शुरू की है, प्लेलिस्ट शुरू की है, जिसमें हम पूरी सीसीटीवी का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, इसके बारे में लोगों को बताइए जिनको ये नॉलेज हो गई और ये आगे चल के आपको अर्निंग दे सकती है, आप ये काम कर सकते हैं। आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भी लेट हो गए, क्योंकि आज मुझे एक कहीं काम आ गया था, कहीं सरकारी दफ्तर से, एसडीएम ऑफिस से, जहाँ पे उन्होंने हमारे को परमिशन भी दी, और इवन हम जाके भी आए अपनी गाड़ी में कहीं से, यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर जाके भी आए, थोड़ा अच्छा लगा, बाहर गए और मतलब कहीं काम करने चले गए, जिससे जो है मतलब डर तो था भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी से गए, और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन इससे जो है अच्छा टाइम मिल पाया इस सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा करने का और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने का। तो दोस्तों इस तरह से बने रहिए, कल आपको बताया जाएगा अभी आईपी कैमरा और एनालॉग कैमरा किस तरह से होते हैं और किस तरह लगाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।